हाल ही में सेबी ने पीआर सुंदर जो कि एक ट्रेडर हैं उन पर पेनाल्टी लगाई है। साथ में अभी 25 अगस्त के आसपास सेबी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है कि अब कोई भी यूट्यूब के माध्यम से या फिर वेबसाइट्स पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दो चीज़ें नहीं कर सकता। पहला तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस नहीं दे सकता। क्या होती हैं चीज़ें, क्यों वो ऐसा कह रहा है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा, वो चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात नहीं कर सकता। सेबी ये इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो या तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता रहे हैं या फिर शेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा शेयर्स आपको बाय करना है, कौन सा शेयर्स नहीं करना है। सेबी ये इसलिए कह रहा है कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, वो उनके रजिस्टर्ड आईए नहीं है। आईए का मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। दूसरा, जो कि रिसर्च एनालिसिस नहीं है, वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, रोज निफ्टी के लेवल्स पर बता रहे हैं, निफ्टी पे चीज़ें बता रहे हैं, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना सिखा रहे हैं। ऐसे लोगों से कॉन्टिन्यूसली लोग कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्शन के पीछे दो चीज़ें हैं, या तो वो अपना पीएनएल दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखिए मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया है, अपनी लाइफस्टाइल दिखा के प्रॉफिट जनरेट करते हैं कि देखिए मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मैंने स्टॉक मार्केट से इतना कमाया है। इस चक्कर में लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्शन का एक तरीका है, आपको उनके साथ डीमैट अकाउंट खोलना है। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि ये डीमैट अकाउंट मैंने खोला है, इस डीमैट अकाउंट से मैं ट्रेड करता हूँ, इस डीमैट अकाउंट से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको मैं फ्री में ये टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। उसके लिए वो चार्ज भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं वो चार्ज नहीं करते क्योंकि उनको ऑलरेडी ब्रोकरेज मिलता है डीमैट अकाउंट से उनकी ट्रेडिंग का। अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो 10%, 15%, 20% अलग अलग लोगों का अलग अलग ब्रोकरेज का स्लैब है। तो अगर कोई मेरे साथ मेरे डीमैट अकाउंट से कनेक्ट होके रेफरल इनकम जनरेट मेरी होती है, अगर कोई मेरे साथ डीमैट अकाउंट खोले और वो मेरे ट्रेडिंग एडवाइस को माने और उसके बाद वो ट्रेड करे, तो जो भी वो ब्रोकरेज बनेगी तो ब्रोकर के पास जाएगी, उसका कुछ परसेंटेज मुझे भी मिला है। तो अभी दो तीन यूट्यूब चैनल है, जैसे कि सुभाषिस की बात कर ले, सुभाषिस अक्सर अपना पीएनएल शेयर करते रहते हैं, साथ में वो गिव अवे करते हैं, साथ में वो यूट्यूब से इनकम क्या होती है वो डिस्कस करते हैं, साथ में उनकी ब्रोकरेज से क्या इनकम होती है वो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। साथ में अपने वीडियोज में हमेशा डिस्क्लेमर देते हैं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आईए या आरए नहीं हूं। आप जब भी स्टॉक मार्केट में फॉलो करें, मैं एज ए ट्रेडर आपको एडवाइस करता हूं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, सीखें। मैं आपके किसी भी लॉस की गारंटी नहीं लेता हूं। ठीक उसी तरह से पुष्कर राज ठाकुर हैं, वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ उनकी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, वो किस स्ट्रैटेजी से पैसे कमाते हैं, किस स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, वो चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं। हालांकि वो निफ्टी वो बैंक निफ्टी के लेवल्स नहीं बताते, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सेबी यही चीज़ कह रहा है, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको चार्ट एनालिसिस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनके साथ डीमैट अकाउंट खोल के ब्रोकरेज ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए पड़ेगा। सेबी से दो तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या तो आप उनके रिसर्च एनालिस्ट रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बने या फिर आप उनके रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर बने। ये चीज़ें बहुत हद तक ठीक है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं इन चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल्स बहुत अच्छे हैं, इनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए, ट्रेड किया है और कई लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज की डेट में बन चुके हैं इन्हीं चैनल के माध्यम से। लेकिन जो सेबी कह रहा है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के इधर बात कर रहा है, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे एड्स देखे हैं। मैं खुद भी कई बार जब स्टॉक मार्केट में नया नया था तो शेयर्स का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक मैंने गूगल ऐड देख के एक शेयर बाय किया था जिसमें मैंने कुछ कैपिटल लगाई थी और कॉन्टिन्यूसली वो शेयर अगले दो तीन बार वो लोअर सर्किट में लग गया, फिर वो शेयर बहुत हाई प्राइस पे खरीदा गया था और फिर वो मेरी कैपिटल ऑलमोस्ट मार्केट में खत्म हो गई थी। वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मैं स्टॉक मार्केट सीखूं, और इन जब इन यूट्यूब पे सर्च किया तो ये जो इन्फ्लुएंसर थे इनको फॉलो करते 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 मुझे थोड़ा समझ में आया कि स्टॉक मार्केट कैसे करना है। खुद के प्रयास के बाद अल्टीमेटली मैं स्टॉक मार्केट सीख गया, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट सीखा, स्टॉक मार्केट में चार्ट एनालिसिस सीखी। ये रजिस्टर्ड थे या नहीं थे, लेकिन इनके साथ जो डिस्क्लेमर जुड़ा हुआ था वो स्पष्ट था कि आप अपने रिस्क पे ट्रेड करें, आप सीखें और ट्रेड करें। हालांकि मैंने किसी के साथ डीमैट अकाउंट इनमें से नहीं खोला है, लेकिन फिर भी जो सेबी की ये जो गाइडलाइन है उससे बहुत तरह का बंधन तो लोगों को मिलेगा, लोगों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड
तरीके से YouTube चैनल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहे हैं, वो कभी अपना पीएनएल नहीं दिखाएंगे। वो पीएनएल दिखाते भी हैं तो फेक पीएनएल दिखा देते हैं, जो कि अभी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं कि जो फेक पीएनएल दिखा दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हालांकि वो खुद भी ट्रेड करते हैं या नहीं करते, इस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो सेबी का जो भी ये कहना है वो निवेशकों के हित में, इन्वेस्टर्स के हित में, और साथ में ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स आज की डेट में मार्केट में आ रहे हैं, जो यूथ मार्केट की तरफ रुझान करने लगा है, उनके हित में ये बात कही गई है। अब यहाँ पे जानने वाली दो बातें हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लगते हैं, अगर सेबी उनके लिए भी एक गाइडलाइन जारी करे, कोई भी अगर अपना डीमैट अकाउंट खोलता है तो उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या वो इन्वेस्टिंग किस लेवल पे कर रहा है, क्या वो खुद के लेवल पे इन्वेस्टिंग करता है या फिर उसने कोई रिसर्च एनालिस्ट हायर किया हुआ है, या रिसर्च एनालिस्ट उसके कांटेक्ट में है, या उसकी वो सर्विस ले रहा है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स की क्या वो सर्विस ले रहा है। तो डीमैट अकाउंट खोलते समय भी सेबी को ये चाहिए कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में एफएनओ सेगमेंट में लॉस कर रहे हैं, अगर सेबी सच में ये चाहता है कि लोगों का लॉस ना हो, तो सेबी को ये भी चाहिए कि डीमैट अकाउंट किसी का भी डायरेक्ट ऐसे नहीं खोलना चाहिए। उसका एक कम से कम कुछ भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उसको इन्वेस्टिंग की कितनी जानकारी है, उसको ट्रेडिंग की कितनी जानकारी है, उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है, तभी उसको डीमैट अकाउंट खुलना चाहिए। अब इससे होगा क्या, अगर सेबी इस तरह से करता है कि डीमैट अकाउंट पर रोक लगाता है, तो बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं उनका लॉस होने वाला है। बहुत सारे ब्रोकर्स को जो ब्रोकरेज जनरेट होती है तो लोगों की ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से, वो कहीं ना कहीं उनको ब्रोकरेज को भी फायदा होता है, उनका ब्रोकर को फायदा होता है, साथ में फायदा होता है जो उनके एसोसिएट अकाउंट होते हैं, जो डीमैट अकाउंट के साथ उनके कनेक्ट होते हैं, रेफरल अकाउंट होते हैं, उनको भी ब्रोकर वो कुछ हिस्सा देता है। तो अगर ये सेबी ने इस पे एक्शन लिया तो इसमें बहुत सारे लोगों का लॉस होने वाला है, ट्रेडर्स का लॉस होने वाला है, जो एसोसिएट अकाउंट्स हैं उनका लॉस होने वाला है। हालांकि सिखाने में जितने भी ट्रेडर्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स ने यूट्यूब पर बहुत सिखाया है, बहुत अच्छी तरह से कई सारे लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनाया है, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट बताया है, टेक्निकल एनालिसिस बताया है, ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन सेबी की इस नीति की वजह से कुछ अच्छा होगा, ये होगा कि जो भी ये बहुत सारे लोग फेक पीएनएल दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है वो टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जिनको चार्ट्स नहीं आते वो चार्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे रोक लगेगी। साथ में लोग उनसे इन्फ्लुएंस ना होके लोग अपने आप कोई एक रिसर्च एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ के उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो इसका पार्ट टू लेके भी आऊँगा। पार्ट टू में मैं ये बताने वाला हूँ कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें से कौन से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं और कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि यूट्यूब कम्युनिटी में जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें कौन कौन से सेबी रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर हैं, वो इस मार्केट में किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मार्केट में किस तरह से काम कर रहे हैं।